एक्साइटेड होती हूँ और खाने पे अपना कंट्रोल रखती हूँ क्योंकि जिम जाना होता है और डाइट कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आपको अच्छा फिगर मेंटेन करना पड़ता है, थिन लगना होता है। तो मैं डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मैं जो ये शूट कर रही हूँ वो है MIPL कोलकाता डायमंड्स पोकर लीग के लिए और मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ एंड मुन्ना सिंह के साथ मैं शूट कर रही हूँ एंड आई एम वेयरिंग फाल्गुनी शेन। जी पोकर जनरली अभी बहुत आगे बढ़ रहा है और पोकर अभी स्पोर्ट कहलाता है तो मुझे नहीं आता है पोकर खेलना पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ मुझे पत्ते नॉर्मल पत्ते खेलने आते हैं पर मुझे पोकर खेलना अभी तक नहीं आता है पर मैं सीख रही हूँ और बहुत जल्द मुझे आ भी जाएगा। जब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आप एक ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो, आप उनके फेस हो, यू नो आपका वो पेज हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है एज एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ सच लीग्स। जब मुझे राजू सर ने बुलाया था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि टू बी अ पार्ट ऑफ राजू सर्स कैंप एक बहुत बड़ी बात है एक एक्टर के लिए। तो मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ, एक गाना है मेरा पर बहुत ही एक्साइटिंग रोल है सो आई एम श्योर दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। खत्म सब कुछ, पूरी फिल्म खत्म होगी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था आरके के साथ, विक्की कौशल के साथ, राजू सर के साथ, विदु जी भी सेट पे आते थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनके साथ शूट करना, एक साथ सेट पे रहना, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बायोपिक विद अमेजिंग कैरेक्टर्स एंड अमेजिंग हीरो हीरोइंस, सो इट वॉज अ प्लेजर, कम्प्लीट प्लेजर, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही रिलीज हो जाए पर 29 जून को होने वाली है। डेफिनेटली टीवी पे मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ पर मैं क्या करने वाली हूँ ये मैंने आपको नहीं बता सकती पर एक महीने में आपको पता चल जाएगा। ओके थैंक यू बेन।